नमस्कार। जनक नंदिनी FM 95.5 MHz से प्रसारित जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक शुरू करें खंडेरक मुख्य मुख्य समाचारक शीर्षक से। प्रदेश पांच के नाम लुम्बिनी और राजधानी भालुआंग राख के प्रस्ताव दू तिहाई मत से भेल पारित। प्रदेश दू के नामकरण और राजधानी के विषय में दल सब एखनो धरि मौन। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 90,000 नांगल। संसदीय समिति के सिफारिश के आधार में राजधानी प्रस्ताव कैल गेल मुख्यमंत्री पोखरेलक कहब। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन बारे विमर्श से नहीं कह नेकपा सचिवालय बैसार सम्पन्न। लुम्बिनी नाम प्रति आदिवासी जनजाति महासंघ का आपत्ति। रूपंदेही कांग्रेस आसिन 20 के कार्य दिन के रूप में मनायत। प्रदेश दू में मंगल दिन दू के मृत्यु 63 गोटे संक्रमित थपायल 157 गोटे डिस्चार्ज। पावन तिहार में किन मेल के लिए सीमा पार नहीं जाए सरकार का आग्रह। आ मालदीव्स के पूर्व उपराष्ट्रपति अदीब के 20 वर्षक जेल सजाए सुनाओल गेल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 5 के राजधानी दांग के भालुआंग में राख के प्रस्ताव दू तिहाई मत से पारित भेले छ। प्रदेश सभा में मंगल दिन भेल मतदान में कुल खसल 82 मध्य 69 मत राजधानी दांग के भालुआंग में रखबाक प्रस्ताव के पक्ष में खसल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद के पक्ष में मतदान के लिए व्हीप जारी कैल गेल छल। तो कांग्रेस सेहो विपक्ष में मतदान करबाक लेल व्हीप जारी केने छल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 90,000 नांगल है। पिछला 24 घंटा में थप 1,551 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। मंत्रालय आयोजना के ने नियमित कोरोना मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम एखन धरि 90,814 गोटे संक्रमित के संख्या पहुँचल जानकारी दिलन। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 22,709 पहुँचल। काठमांडू उपत्यका में 24 घंटा में थप 1,017 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। मंत्रालय आयोजना के ने नियमित कोरोना मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता गौतम काठमांडू में 783, ललितपुर में 118 आ भक्तपुर में 116 गोटे संक्रमित भेटल जानकारी दिलन। तेना नेपाल में कोरोना से 563 गोटे के मृत्यु भेल। मंगल दिन उपत्यका के 5 सहित 9 गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय पुष्टि कलक। 24 घंटा में 11,047 PCR परीक्षण भेल छल। एखन धरि 10,99,276 गोटे के PCR परीक्षण भ चुकल से प्रवक्ता गौतम जानकारी देलन। प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल प्रदेशक राजधानी आ नाम बारे अध्ययन करय लेल गठित संसदीय समिति के सुझाव के आधार में प्रदेश के राजधानी दांग बनाबे के प्रस्ताव प्रदेश सभा में पहुंचल बतौलने। प्रदेश सभा के बैसार के मंगल दिन संबोधन करत मुख्यमंत्री पोखरेल सरकार संसदीय विशेष समिति के सुझावक आधार में दांग प्रस्ताव के ने बतौलन। ओ कहलन समिति पहल विकल्प दांग, दोसर में रूपंदेही आ तेसर में कपिल वस्तु सिफारिश केने छल। वह आधार में प्रदेश सिफारिश कैल गेल। मुख्यमंत्री पोखरेल बुटबल भई रहबा के वित्तीय कॉरिडोर के रूप में विकास कैल जात बतौलन। ओ प्रदेशक राजधानी के निर्णय कर के विषय प्रसव वेदना जका भेल से दावी कलन। प्रदेश के राजधानी के प्रस्ताव पर मंगल दिन प्रदेश सभा में मतदान सेहो भेल छल। विराटनगर में थप 2 गोटे कोरोना संक्रमित पुरुष के मृत्यु भेले छे। विराटनगर के नोबेल शिक्षण अस्पताल में इलाज कराब रहल 50 आ 45 वर्ष का कोरोना संक्रमित पुरुष के मृत्यु भेले छे।
मोरंग के काने पोखरी गांव पालिका 6 के 50 वर्षक पुरुष के मंगल दिन भिनसर 3 बजे मृत्यु भेल। अस्पतालक जनसंपर्क अधिकृत नारायण दहाल जानकारी देलन। उनक अनुसार बुखार लागल कहत पुरुष के इलाजक लेल चिंताजनक अवस्था में सोम दिन बेरिया अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। स्वाब संकलन क पीसीआर परीक्षण केला पर साँझ 6 बजे रिपोर्ट पॉजिटिव एलाक बाद आइसोलेशन में भर्ना क इलाज शुरू कयल गेल छल। ओहि पुरुष में 5 वर्ष ब्लड कैंसर के समस्या छल। तेना रतुआ माई नगरपालिका 8 के 45 वर्षक संक्रमित पुरुष के सेहो मंगल दिन भिनसर 2:30 बजे मृत्यु भेल दहाल जानकारी देलन। हुनका इलाजक लेल आसिन 13 गते अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। स्वाबक पीसीआर परीक्षण करौलाक बाद परात भिने रिपोर्ट पॉजिटिव अयला सँ आइसोलेशन में भर्ना कऽ कऽ इलाज शुरू कयल गेल छल। मधुमेह के समस्या रहल पुरुष में पछिला बेर बोखार निमोनिया आ टाइफाइड सेहो थपायलो कहलन। आईसीयू में रहकर इलाज शुरू कयल गेल रही तो पुरुष के नहीं बचाओल जा सकल से ओ जानकारी देलन। विभिन्न उतार चढ़ाव के बीच मंगल दिन प्रदेश 5 के नामकरण आ राजधानी के निष्कर्ष लागल है। सातटा प्रदेश मध्य प्रदेश 7 के सुदूर पश्चिम, प्रदेश 6 के कर्णाली, प्रदेश 4 के गंडकी आ प्रदेश 3 के बागमती ऐसा पहिने है कायम भ चुकल है। अब प्रदेश 1 आ प्रदेश 2 के मात्र नाम आ राजधानी निष्कर्ष लगाब बाकी है। संविधान सब प्रदेश के नामकरण आ राजधानी के निष्कर्ष लगाब के अधिकार प्रदेश के जिम्मा देने है। देश संघीयता में गेल 5 वर्ष बीतल रही तो प्रदेश 2 के नामकरण आ राजधानी के विषय में अखन धर कोनो चर्चा नहीं है। बारे नहीं तो दल सब गंभीर है नहीं तो सरकार प्रदेश सभा में कोनो प्रस्ताव लो जा सकल। यद्यपि संघीयता बारे पहल बेर आवाज प्रदेश 2 से उठल छल। प्रदेश 2 के सत्तापक्ष आ विपक्षी के अड़ानक कारण नाम आ राजधानी के विषय में ओझरा हटे। नाम आ राजधानी के विषय निष्कर्ष नहीं लाग सकनाई में सत्ता पक्ष दोषी रहल छे। नेपाली कांग्रेस नेता राम सरोज यादव बतौलन एहि बारे कांग्रेस लचक रहल से हुनकर दावी छन। ओ कहलनि कांग्रेस शुरू में मिथिला भोजपुरा नाम के लेल प्रस्ताव केने छल मुदा सत्ता पक्ष के अड़ान के कारण मिथिला मधेश राखब प्रस्ताव केनो हुनका सबके उहो नहि पचलन। सत्ता पक्ष के नेता सब प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश राखब के अड़ान में छथि। यादव कहलनि अपन पार्टी के नाम से सेहो मधेश शब्द हटाब चुकल दल सबके किया मधेश प्रदेश चाही। जनकपुर धाम के राजधानी बनाब के सहमति भ चुकल रही तो सत्ता पक्ष के बेईमानी के कारण संभव नहीं भ सकल यादव के आरोप छन। नाम तथा राजधानी तो का प्रदेश सभा में 2/3 मत चाही। प्रदेश 2 में जे कोनो भी दल संगे बहुमत नहीं है तैं एहि विषय में सहमति के वातावरण निर्माण करे पड़त से यादव बतौलन। नेकपा के नेता रामचंद्र मंडल नामकरण आ राजधानी कायम करे के विषय निष्कर्ष नहीं लाग सकनाई में दल के नेता सब सक्रिय नहीं भेनाई मुख्य दोष रहल बतौलन। सहमति नहीं भ सकला कारण से ऐसा पहिने है कयल गेल प्रस्ताव असफल भेल से हुनकर कहब छन। ओ कहलन कोनो दल संगे दू तिहाई बहुमत नहीं रहला से सहमति के वातावरण बनाब दल के नेता सब पहल कदमी लेब पड़त। सत्ता पक्ष प्रदेश के नामकरण आ राजधानी के निष्कर्ष लगाब के विषय में गंभीर रहल से दावी करत है। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश 2 में सबसे पहिने नामकरण आ राजधानी कायम कर के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल रही तो असफल भेल बतौलन। ओ कहलन ई प्रक्रिया बहुमत मात्र भक पूरा होवे वाला नहीं है तैं सर्वदलीय विमर्श क के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जा सकते छे। प्रदेश 2 में पछला 24 घंटा में 6 वर्षक बालक सहित 2 गोटे के मृत्यु होबाक संगे 63 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल अछि त 157 गोटे डिस्चार्ज भ क अपन अपन घर घूरल छथि। मंगल दिन मृत्यु होवला में सरलाही के लालबंदी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 घर भ हाल चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर में इलाज कराब रहल 46 वर्षक एक पुरुष आ धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 हरभाड़ा टोल के 6 वर्षक बालक क 2 गोटे अछि। तहिना संक्रमित होवला सब में 17 महिला आ 46 गोटे पुरुष अछि। एहि संगे प्रदेश में संक्रमित के संख्या 13,886 पहुंचल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी देलन। तहिना पछिला 24 घंटा में प्रदेश के 157 गोटे अस्पताल से डिस्चार्ज भेल छथि। डिस्चार्ज होवला सब में सप्तरी के 5, सिरहा के 8, सरलाही के 138 आ परसा के 6 गोटे छथि। एहि संगे अखन धरि प्रदेश
1059, सिराहा के 639, धनुषा के 1489, महोत्तरी के 1068, सरलाही के 1806, रौथट के 1548, बारा के 1186 और परसा के 2471 का 11,266 गोटे संक्रमित सब डिस्चार्ज भक अपन अपन घर घुस चुकल। सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक मंगल दिन एक प्रदेश में सप्तरी में 22, धनुषा में 14, परसा में 10, सिराहा में 7, बारा में 5, महोत्तरी में 2, रौथट में 2 और सरलाही में 1 गोटे संक्रमित भेल छै। प्रदेश 2 में मंगल दिन धरि 11,683 पुरुष और 2,203 महिला का जमा 13,886 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छै। वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक झा जानकारी देलन। गौर अस्पताल रौथट, प्रादेशिक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल बीरगंज आ गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजबिराज में कैल गेल परीक्षण में मंगल दिन 63 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल से झा जानकारी देलन। प्रदेश भर में मंगल दिन धरि सप्तरी में 18,174, सिराहा में 10,593, धनुषा में 14,632, महोत्तरी में 7,531, सरलाही में 13,633, रौथट में 22,955, बारा में 11,881 और परसा में 26,179 का जमा 1,25,578 गोटे के स्वाब परीक्षण भेल मध्य 13,886 गोटे संक्रमित भेल अछि त 1,10,084 गोटे के रिपोर्ट नेगेटिव आयल अछि। तहिना सप्तरी के 79, सिराहा के 49, धनुषा के 300, महोत्तरी के 200, सरलाही के 102, रौथट के 101, बारा के 277 आ परसा के 500 गोटे के कुल 1,608 गोटे के रिपोर्ट एखनो आब के बाकी अछि। एहि प्रदेश में मंगल दिन सप्तरी में 96, धनुषा में 112, महोत्तरी में 27, रौथट में 121, बारा में 22 आ परसा में 387 के 765 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल। प्रदेश 2 के 8 जिला के विभिन्न ठाम सब में रहल 9,420 बेड क्षमता के 169 क्वारंटाइन में एखन 97 गोटे छै त 1,331 गोटे होम क्वारंटाइन में छै। प्रदेश के 8 जिला के विभिन्न ठाम सब में रहल 2,962 बेड क्षमता के आइसोलेशन में सप्तरी में 68, सिराहा में 616, धनुषा में 10, महोत्तरी में 4, सरलाही में 18, रौथट में 3, बारा में 18, परसा में 58 का 795 गोटे रहल से वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक झा जानकारी देलन। तहिना प्रदेश में सप्तरी में 173, सिराहा में 35, धनुषा में 473, महोत्तरी में 351, सरलाही में 85, रौथट में 365, बारा में 110 आ परसा में 91 का जमा 1,683 गोटे होम आइसोलेशन में रहल ओ बतौलन। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा जिला में 2,677 गोटे संक्रमित भेल छथि। तेना धनुषा में 1,977, रौथट में 1,923, सरलाही में 1,918, महोत्तरी में 1,438, बारा में 1,332, सप्तरी में 1,317 आ सिराहा में 1,304 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 2,478 रहल से सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण से एखन धरि प्रदेश में 23 महिला आ 119 पुरुष का जमा 142 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। एखन धरि परसा में 44, बारा में 18, धनुषा में 17, सप्तरी में 17, महोत्तरी में 15, सिराहा में 14, सरलाही में 9, रौथट में 7 आ एक गोटे भारतीय के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। स्वयं प्रहरी छी कहित सिराहा में गोटे के ठगी करे वाला व्यक्ति पकड़ायल अछि। पकड़ायल व्यक्ति सिराहा के अरनामा गांव पालिका के 30 वर्षक मोहम्मद जाबिर रहल से पुलिस जनौलक अछि। के लेल कारागार में रहल अभियुक्त के रिहाई करा देव कहि कर ठगी करे वाला जाबिर के पुलिस जबरदस्ती करने मुद्दा में पूर्व पक्ष के लिए कारागार में रहल सिराहा के बरियारपट्टी गांव पालिका 4 के 23 वर्षक शिव कुमार शाह के मुद्दा फाट में अपन नौकरी रहला से ओकरा रिहा करा देव कहि कर शिव के भाई मुकेश कुमार शाह संगे 35,000 रुपया ठगी करे वाला जाबिर के पकड़ल गेल छ। जाबिर मुकेश संगे शिव के कारागार से रिहा करा देबाक प्रलोभन देखा कर ठगी के बताओल गेल छ। पकड़ायल जाबिर के नियंत्रण में राखि कर थप अनुसंधान कयल जा रहल से सिराहा पुलिस जनौलक अछि।
चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग करत 23 दिन से अनशन में रहल डॉक्टर गोविंद केसी के समर्थन में महोतरिक जलेश्वर में मंगल दिन शांतिपूर्ण धरना दल गया छल। हुनक पक्ष में नेपाली कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभाग के केंद्रीय सदस्य बजरंग नेपाली के नेतृत्व में जलेश्वर के बुद्धिजीवी चौक में मंगल दिन बिरिया 1 बजे से 1:30 बजे धरि धरना दल गया छल। केसी के मांग जायज रहित सरकार चाख नहीं देने कहे तो सब बीच सड़क पर बैसकर धरना देने छला। डॉक्टर केसी के समर्थन एवं हुनक जीवन रक्षा तथा जायज मांग सब प्रति एक बद्धता आ संघीय सरकार के गैर जिम्मेवारीपन के विरुद्ध अपना सब शांतिपूर्ण धरना देने नेवी संघ महोतरी के अध्यक्ष आशुतोष झा नवीन जानकारी दिलन। नागरिक सरोकार विरोधी सरकार मुर्दाबाद मेडिकल माफिया के दादागिरी बंद कर डॉक्टर गोविंद केसी के मांग पूरा कर लगाए तक नारा लिखल प्ले कार्ड सहित सब धरना देने छे। धरना में नेपाली कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभाग के केन्द्रीय सदस्य बजरंग नेपाली, नेपाली कांग्रेस महोतरिक नगर सभापति अशोक शाह, नेता लवराजा सिंह, तरुण दल के जिला अध्यक्ष विनय यादव, क्षेत्रीय सभापति दिलीप पांडे, जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष राजू के जिला अध्यक्ष आशुतोष जानवीन, सुनील सुमन, निवेश मंडल, निवेश संघक नगर सभापति बादल शाह लगातक नेता कार्यकर्ता सबके सेहो उपस्थिति छल। सप्तरी के राजगढ़ गांवपालिका के अध्यक्ष आ कृषि शाखा के संयोजक कोरोना संक्रमित भेलाक बाद गांवपालिका के कामकाज बंद कैल गेल छ। राजबिराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पतालक प्रयोगशाला में कैल गेल परीक्षण में दुनू गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद गांवपालिका के कामकाज बंद भेल छ। गांवपालिका के अध्यक्ष 60 वर्षक पुरुष आ कृषि शाखा के संयोजक 57 वर्षक पुरुष में रवि दिन कोरोना पुष्टि भेल छल। गांवपालिका के अध्यक्ष परमानंद यादव दोसर सूचना जारी नहीं होब धरके लेल आकस्मिक बाहक के सब सेवा बंद कैल गेल बतौलन। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी गांवपालिका के अध्यक्ष सहित हुनक 40 वर्षक पुत्र, 15 आ 8 वर्षक पोता, 40 वर्षक चालक तथा कृषि शाखा के संयोजक रवि दिन कोरोना संक्रमित भेल से जानकारी देने सहित। वीरगंज में पैघ परिमाण में म्याद गुजरल खाद्य वस्तु भेटल। वीरगंज महानगर पालिका 10 आदर्श नगर स्थित AST प्राली के 3 गोदाम में भंडारण कैल गेल सामान म्याद गुजरल रहल से भेटल। जिला प्रशासन कार्यालय परसा के नेतृत्व में गेल टोली आदर्श नगर में AST प्राली के 3 गोदाम में पैघ परिमाण में म्याद गुजरल सामग्री भेटलाक बाद सील कलक। वनस्पति घी, नारियल, केक आ बेकरी, बिस्कुट में प्रयोग होवला कच्चा पदार्थ, रंग लगात सामग्री म्याद नांगल भेटल से प्रशासन जनौलक। उपभोक्ता के अधिकार संग संबंधित विषय रहला से आवश्यक अनुसंधान आ कार्यवाही के लिए वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय के जिम्मा लगाल गेल से प्रशासन जनौलक। नेपालक चर्चित कलाकार हरिवंश आचार्य आ हुनक पत्नी रमिला आचार्य के कोरोना पुष्टि भेल। कलाकार आचार्य मंगल के साथ सामाजिक संजाल मार्फत अपना सबके कोरोना पुष्टि भेल से जानकारी दिलन। वो अपना सबके स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल बतौलन। आचार्य अपना सबके संपर्क में रहल सबके आइसोलेशन में रहकर निर्धारित समय में परीक्षण कराब आग्रह कने छथि। सबके जन स्वास्थ्य के मापदंड अनिवार्य रूप में अवलम्बन कर ओ आग्रह सेहो कने छथि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सीमा क्षेत्र में रह वाला सर्वसाधारण के पावन तिहार में किन मेल के लिए सीमा पार नहीं जाए लेल आग्रह कलक। मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में प्रवक्ता डॉक्टर गौतम एहन आग्रह कने तो काठमांडू लगातक शहर में कोरोना के उच्च जोखिम रहल कहित कोरोना के उपहार के रूप में दसें के समय में परिवारजन के नहीं देब आग्रह कलन। कोरोना संक्रमण के जोखिम उच्च रहला से पुराने कपड़ा पहिर कर दसें मनाब से जनता से आग्रह कल परिवार सब सदस्य के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पुराने कपड़ा लगाकर दसई मनाबी। वो कहलन पावन तिहार के समय में सीमा पार किनमेल कर सीमा क्षेत्र के अधिकतर व्यक्ति जाए नेपाली बाजार पावन तिहार के समान खाद्यान्न लगातक समान सस्ता भेट रहल कहित सीमा पार जाय छथि मुदा भारत कोरोना के उच्च जोखिम में छ। तैं सरकार किनमेल कर सीमा पार नहीं जाय आग्रह कलक। सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपना कर लिस्ट बना कर एक बेर समान किन से हो सब गोटे से आग्रह कलक।
प्रदेश पांच के राजधानी दांग गेलाक बाद सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के हजारों कार्यकर्ता पार्टी परित्याग कलने मंगल दिन 35 संस्था में आबद्ध 2249 गोटे नेकपा के सदस्य पार्टी छोड़ने से घोषणा कलन। रूपंदेही व्यापार संघ, रूपंदेही उद्योग संघ, होटल तथा रेस्टुरेंट व्यवसायी संघ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रणाली लगातक संस्था में आबद्ध व्यक्ति सब नेकपा परित्याग कलने। बुटबल में पत्रकार सम्मेलन का अवसर पार्टी के सांसद सब मतदाता आ कार्यकर्ता समक्ष चुनाव में किने प्रतिबद्धता बिसरल आरोप लगौलन। जनभावना के कदर नहीं कर नेता सब राजधानी हटौला से आगामी निर्वाचन में नेकपा लज्जास्पद पराजय बेहोरत से सब चेतावनी दिलन। निरंकुशता स्वीकार कर पार्टी में रह के कोनो औचित्य नहीं रहला से राजीनामा देबाक निर्णय केने से रूपंदेही उद्योग संघक अध्यक्ष बाबूराम बोहरा जानकारी देने। पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता जेपी गुप्ता के पितृ शोक परल छन्। हुनक पिता श्याम सुंदर रोनियार के सोम दिन 90 वर्षक उमेर में निधन भेल। मधुमेह लगातार पुरान बीमारी से ग्रसित हुनक विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में इलाजक क्रम में निधन भेल अछि। मंगल दिन हुनक दाह संस्कार कयल गेल। सोम दिन भिनसर 10 बजे अपने गाँव सप्तरी के कंचन रूप लग के कोसी नदी घाट में सनातन परंपरा अनुसार दाह संस्कार कयल गेल। पूर्व मंत्री गुप्ता सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी देने छथि। सत्तारूढ़ नेकपा सचिवालय बैसार में मंत्रिपरिषद पुनर्गठन बारे कोनो विमर्श नहीं कक संपन्न भेल। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल सचिवालय बैसार में मंत्रिपरिषद पुनर्गठन बारे कोनो विमर्श नहीं भेल। बैसारक बाद प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलन। अइ बारे प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष केपी ओली बैसार में कोनो जानकारी नहीं करौने श्रेष्ठ बतौलन। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन के विषय में अध्यक्ष द्वय गृह कार्य कर रहल आ जल्दी निष्कर्ष में पहुंचाओल जाय से हुनक कहब। बैसार में राजदूत नियुक्ति, संवैधानिक निकाय में नियुक्ति लगातक विषय में सामान्य विमर्श भेल छल। तेना पार्टी के सांगठनिक एकीकरण के बारे में विमर्श भेल रहितो कोनो निर्णय नहीं भेल से श्रेष्ठ बतौलन। श्रेष्ठ कहलन एहि बारे विमर्श जारी अछि। बैसार में प्रधानमंत्री ओली डॉक्टर गोविंद केसी के सरकार के अनशन अंत करय लेल केने अनुरोध सहित के विवरण जानकारी करौने छला। केसी आ सरकार बीच एहि से पहिने भेल समझौता कार्यान्वयन भ चुकल आ किछु विषय कार्यान्वयन होबय बाकी रहला से कोरोना सब पड़ल बहुआयामिक प्रभाव दिस केंद्रित भेल आ अन्य विषय में बाद में विमर्श कयल जा सकबाक प्रधानमंत्री ओली के कहब छलन। डॉक्टर गोविंद केसी अनशन पर बैसल 23 दिन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चाँक देखौलने। डॉक्टर केसी के मांग सब संबोधन कर सरकार वार्ता शुरू केने से प्रधानमंत्री ओली बतौने। मंगल दिन बालुआटार में आयोजित नेकपा सचिवालय बैसार में नेकपा के नेता सब डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा बारे चाँक देखौलक बाद प्रधानमंत्री ओली केसी के मांग पूरा कर सरकार वार्ता शुरू केने से जवाब दिलन। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के मंगल दिन बैसल सचिवालय बैसार में अनशनरत डॉक्टर केसी ऊपर केंद्रित छल। सचिवालय के नेता सब डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा बारे सरकार के ठोस कदम उठावे पर बात रखलाक बाद बैसार ओहि बारे केंद्रित भेल छल। और विषय में सामान्य बात मात्रे भेल मुदा बैसार लगभग डॉक्टर केसी बारे केंद्रित भेल से एगो सचिवालय सदस्य जानकारी देने छथि। देश भरक शक्तिपीठ सब स्वास्थ्य मापदंड पालना का संचालन कर के प्रस्ताव कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र CCMC में पहुंचल। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय मापदंड पालना कर जका शक्तिपीठ खुला कर के प्रस्ताव बितला हफ्ता CCMC में पठौने मंत्रालय के प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराय जानकारी दिलन। विभिन्न भगवान के स्त्री स्वरूप के शक्ति कहल जात। पौराणिक मान्यता अनुसार सती देवी के अंग पतन भेल ठाव में अष्टमातृका के बसोबास स्थित ओहि ठाव के शक्तिपीठ कहल जात। दशहीं के घट स्थापना के दिन से 9 दिन धरि देश भरक शक्तिपीठ में भक्तजन के भीड़ लगत मुदा एहि वर्ष कोरोना वायरस के महामारी के कारण पछिला 6 महीना से सब धार्मिक स्थल सब बंद है। मुदा हिंदू नेपाली सब के मुख्य पावन रहला से दशहीं में सुरक्षा सतर्कता अपना कर शक्तिपीठ खोल के मांग होत आबि रहल से बताओल गेल।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश 5 के नाम लुम्बिनी रखने प्रति आपत्ति जनौलक मगरात थरुहट के ऐतिहासिक सभ्यता आ पहचान के नामेट करज का प्रदेश सभा से एकात्मक आ केन्द्रीकृत नस्लवादी चिंतन से ग्रसित व लुम्बिनी नाम रखने कहित महासंघ आपत्ति जनौलक प्रदेश 5 के बैसार से प्रदेश के नाम लुम्बिनी आ राजधानी भालुवांग राख के प्रस्ताव दू तिहाई बहुमत से पारित भेल। निर्णय 2062-63 के ऐतिहासिक जन आंदोलन सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध आदिवासी जनजाति आंदोलन मगरात आंदोलन थरुहट आंदोलन मधेश विद्रोह आदिवासी आ सरकार बीच भेल विगत के सहमति समझौता दल सब निर्वाचन में जनता संकेने प्रतिबद्धता मानवाधिकार संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज आ नेपाल के संविधान 2072 के प्रस्तावना आ गेता के मूल मर्म विपरीत रहल से महासंघ प्रदेश 5 लगायत सब प्रदेश के नामांकन ऐतिहासिक मानव सभ्यता से विकास के ने थात थलो के संबोधन हो बजका कर के अभियान आंदोलन जारी रहल से हो बतौल अछि। प्रदेश 5 के थाई राजधानी दांग लोजेबाक सरकार के प्रस्ताव पारित भेल। आसन 20 गते के कार्य दिन के रूप में मनेबाक नेपाली कांग्रेस रूपंदेही निर्णय कलक मंगल दिन प्रदेश सभा बैसार से दू तिहाई बेसी मत से दांग राजधानी बनाब के प्रस्ताव पास भेलाक बाद नेपाली कांग्रेस रूपंदेही विज्ञप्ति निकाल कर राजधानी हटौने दिन के कार्य दिन के रूप में मनाब जिलावासी से अपील कलक। पार्टी सभापति अब्दुल रज्जाक निकालने विज्ञप्ति में मंगल के साथ 7 बजे से आधा घंटा घर के बत्ती में जाकर विरोध जनाब अपील केने छला। तत्कालीन शेर बहादुर देउबा नेतृत्वक सरकार अस्थायी राजधानी प्रदेश यथास्थान में कायम भेल मात्र दांग हटौला से जनता के भावना कांग्रेस के विज्ञप्ति में उल्लेख है। व्यापक विरोध आ जन दबाव तथा अस्थायी राजधानी तोकल गेला के बाद रूपंदेही के लिए केने योगदान के बीच का सरकार दू तिहाई के दम्भ से गलत निर्णय केने से विज्ञप्ति में उल्लेख है। कोरोना महामारी के समय में संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार के काज बारे निरीक्षण आ अनुगमन के लिए प्रदेश 2 में आयल संसदीय उप समिति के टोली घूरल संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के उप समिति काठमांडू उपत्यका के अवस्था बुझलाक बाद सातु प्रदेश के अवस्था बुझे के क्रम में प्रदेश 2 में आयल छल। संयोजक जीवन राम श्रेष्ठ सांसद नमिता चौधरी आ इकबाल मिया के टोली प्रदेश नंबर 1-2 आ बागमती प्रदेश में भेल काज के अध्ययन कर निकलल छल। वह क्रम में मंगल दिन वीरगंज पहुंचल छल। वीरगंज में सरकार वाला संघ भेटघाट कर टोली बागमती प्रदेश के राजधानी हेटौड़ा गेल से शाखा अधिकृत अमित यादव जानकारी देने छथि। टोली परसा में जिला संकट व्यवस्थापन समिति वीरगंज महानगर पालिका नारायणी अस्पताल आ नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्थायी कोरोना अस्पताल में सरकार वाला संघ भेटघाट तथा विमर्श केने छल। कोविड महामारी नियंत्रण में भेल काज बारे जानकारी लेबा आयल टोली सीमा क्षेत्र के सेहो अवलोकन केने से प्रमुख जिलाधिकारी आसमान तामांग जानकारी देने छथि। कैलाली के कैलाली एफएम में कार्यरत पत्रकार निर्मला पहराई के न्याय के लिए संयुक्त दबावमूलक रैली निकालल गेल। पत्रकार पहराई के रहस्यमय मृत्यु के छानबीन कर दोषी के कड़ा से कड़ा कार्यवाही कर दलित जनजागरण मंच घोड़ा घोड़ी मांग कलक। हत्या व आत्महत्या की छल ओके निष्पक्ष छानबीन कर सत्य तथ्य बाहर आना मंच मांग कलक। घोड़ा घोड़ी नगर पालिका में जघन्य घटना अपराध के घटना भ रहा आ घटना के अनुसंधान प्रभावकारी नहीं भेल कहित मंच सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। आदिवासी जनजाति समाज के सुशीला चौधरी एखन धरि अपराधी के पहचान नहीं हैब आ नियंत्रण में नहीं अला से पत्रकार पहराई न्याय पेबाक संकेत हेरायल बतौली। ओ ई गंभीर विडम्बना रहल कहे दू तिहाई के सरकार कार्यवाही नहीं कर सकला पर महिला के कार्यवाही करे के अधिकार देव पड़त कहित आक्रोश सेहो व्यक्त केने छलीह। सुशांत सिंह राजपूत के निधन संगे जुड़ल लागू असद मुद्दा में रिया चक्रवर्ती के थप 14 दिन हिरासत में राख अदालत अनुमति दिलक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ACB के अनुसंधान नहीं समाप्त भेला से मंगल दिन रिया और हुनक भाई सोबिक के हिरासत में राख मुंबई सेशन कोर्ट से तेसर बेर म्याद थप भेल। अब रिया और सोबिक अक्टूबर 20 धरि न्यायिक हिरासत में रहती। NCB 9 सेप्टेम्बर में 28 वर्षीय रिया के गिरफ्तार केने छल तकरा
बाद 20 गोटे के एनसीबी अनुसंधान के क्रम में खंधेर में गिरफ्तार कर चुकल है। मालदीव्स के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब के 20 वर्ष के जेल सजा सुनाओल गेल छ। मालदीव्सक अदालतक अधिकारी के अनुसार हुनका भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति अर्जन आ शक्ति के दुरुपयोग के अभियोग में सजा तोकल गेल छ। अदीब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन के घनिष्ठ सहयोगी के रूप में छला। फौजदारी अदालत हुनका सत्ता में रहल समय राज्य के पर्यटन प्रबंधक से घूस स्वीकार केने आरोप में 1,29,000 अमेरिकी डॉलर जुर्माना सहित जेल सजा सुनौलक। हुनका ऊपर रिसोर्ट निर्माण तथा विकास के लिए टापू भाड़ा में देवा का पर्यटन कंपनी से राज्य के 2,60,00,000 डॉलर के घाटा होबे जका निर्णय केने से अभियोग लागल छल। अदीब उपराष्ट्रपति रहल समय में राष्ट्रपति रहल यमीन के सन 2013 से 2018 धर के हुनक कार्यकाल में कारी धन जमा के आरोप में दोषी ठहर भेलाक बाद बीतला वर्ष के नवम्बर से 5 वर्ष जेल सजा सुनाओल गेल छल। यमीन एखनो जेले में छथि। अदीब अदालती सुनवाई के क्रम में लेनदेन के आधार में मुद्दा के अपन पक्ष में पारक खोजने आरोप अदालतक अधिकारी सब लगौने छथि। पूर्व पर्यटन मंत्री रहल अदीब के यमीन उपराष्ट्रपति नियुक्त केने छला। बीतला वर्ष अगस्त में भ्रष्टाचार आरोप लागल अदीब अवैध रूप में देश छोड़ कर पड़ोसी देश भारत में शरण लेब चाहने छला। भारत शरण नहीं देत से बतौलाक बाद आरोप ऊपर के सुनवाई के लिए हुनका मालदीव देश घुराओल गेल छल। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। प्रदेश 5 के नाम लुम्बिनी आ राजधानी भालुआंग राख के प्रस्ताव 2/3 मत से भेल पारित। प्रदेश 2 के नामकरण आ राजधानी के विषय में दल सब एखनो धर मौन। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 90,000 नांगल। संसदीय समिति के सिफारिश के आधार में राजधानी प्रस्ताव कैल गेल मुख्यमंत्री पोखरेल के कहब। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन बारे विमर्श नहीं ककर नेकपा सचिवालय बैसार सम्पन्न। लुम्बिनी नाम प्रति आदिवासी जनजाति महासंघ का आपत्ति। रूपंदेही कांग्रेस 20 आसीन के कार्य दिन के रूप में मनायत। प्रदेश 2 में मंगल दिन 2 के मृत्यु, 63 गोटे संक्रमित, 157 गोटे भेल डिस्चार्ज। पावन तिहार में किन मेल के लिए सीमा पार नहीं जाय लेल सरकारक आग्रह। आ मालदीव्स के पूर्व उपराष्ट्रपति अदीब के 20 वर्षक जेल मिलल। बेस्ता एहिक संग एखनुक जनक नंदनी समाचार ओतहि समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहे छी। सुनैत रही जनक नंदनी FM 95.5 MHz आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार।